क्या तुम जानते हो इस दुनिया में गरीब लोग गरीब इसलिए हैं कि उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी का जिम्मेदार कभी अपने आप को माना ही नहीं। यही प्रकृति का नियम है। अगर आप अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हो तो वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि वो वक्त ही है जिससे ज़िंदगी बनी है। हर पल पे तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। एक बात हमेशा याद रखना, अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें जरूर बदल सकते हो, और निश्चित रूप से ये आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। झूठी शान के परिंदे ज़्यादा फड़फड़ाते हैं, तरक्की के बाज की उड़ान में कभी आवाज़ नहीं होती। टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताक नहीं मिलता। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में मंजिले जुगनू, कभी किसी रोशनी का मोहताज नहीं होता। खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से खुद को सफल मानना शुरू कर दो, क्योंकि सफलता की छाप पहले दिमाग में छपती है, बाद में सच्चाई बनकर सबके सामने उभरती है। जो सरफिरे होते हैं इतिहास वही लिखते हैं, समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। परख अगर हीरे की करनी है तो अंधेरे का इंतजार करो, वरना धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। चले हैं जिस सफ़र पर उसका कोई अंजाम तो होगा, जो हौसला दे सके ऐसा कोई जाम तो होगा। जब दिल में ठान ही ली है कामयाबी की तो अपना बनाने की, तो कोई ना कोई इंतजाम तो होगा। जिंदगी हंसाए तो समझा यह अच्छे कर्मों का फल है, और जब जिंदगी रुलाए तो समझना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। रात नहीं ख्वाब बदलना है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, लेकिन नम्रता भी कम शक्तिशाली नहीं होती, वह साधारण इंसान को फरिश्ता बना देती है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रहे, किस्मत के जंग के दरवाजे खुलने में थोड़ा वक्त लगता है। जब हार कर भी देख लिया तो फिर किस बात का गम है, चल उठ और इस दुनिया को दिखा कि तुझमें कितना दम है। किसी पर इतने भी ज़्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि अंधेरे में परछाइयाँ भी साथ छोड़ देती हैं। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से ही हो जाती हैं मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। वीडियो के अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, सांप घर पर दिखाई दे तो लोग डंडों से मारते हैं, और यदि सांप शिवलिंग पर दिखाई दे तो लोग दूध पिलाते हैं। लोग सम्मान आपका नहीं, आपके स्थान और स्थिति का करते हैं।